नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एक कार होल्डर की जो मैंने अभी अमेजोन से परचेज किया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक चाकू। हम इसको देखते हैं, ये इसका बिल है। देखिए जो मैंने इसको इसको मैंने परचेज किया है, ये मुझे 650 का पड़ा है अप्रोक्स। ये देखिए प्रोबस कंपनी का ये कार होल्डर है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है जो मैंने अमेजोन से लिया है। इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम इसको देखते हैं निकाल के। ये वो उसका होल्डर है, ये देखिए। इसको अब थोड़ा रिलीज करते हैं तो आप इसमें उसको फंसा सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये इसकी फिटिंग हो जाती है। इसको टाइट कर देंगे अभी हम। ये हम ये हमने इसको टाइट कर दिया है। इसको टाइट कर दिया, ये देखिए जैसे ही टाइट हो गया। आप अपने हिसाब से कैसे भी टाइट कर सकते हैं। ये इसका जो बटन है वो इसको आगे बढ़ाने के लिए, देखिए इससे आप इसको इसकी साइज डिस्टेंस का इंक्रीज कर सकते हैं और इसको इसको लॉक भी कर सकते हैं। ये यहाँ से इसको लॉक हो जाता है। ये देखिए तो चलिए अब हम इसका इंस्टॉलेशन करके बताते हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जो इसकी जो जो सतह है उसकी जो उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। कर दीजिए, देखिए इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ से आपने इसको क्लीन कर दिया है तो ये देखिए इसका जो क्या करना पड़ेगा, ये ग्लू है इसका, ये ऊपर जो ग्लू रखा है इसको आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। आपने इसको उससे निकाल दिया है। देखिए ये इसका जो है लॉक करने का दिया हुआ है, ये है जो आप इसको देखिए ऐसे इसको आपको रखना है, इसको होल्ड करना है और आपको ये वाली जो बटन है ये आपको प्रेस कर देना है, इससे कि इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए ये देखिए इससे प्रेस होगा, इससे आप आगे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप आपको मोबाइल फंसा के बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए मैं इसको आपको मोबाइल होल्ड करके बताता हूँ। इसमें मोबाइल होल्ड हो गया है, ये थोड़ा टाइट नहीं है, अब टाइट कर दिया मैंने। ये देखिए तो मोबाइल इसमें गिरता नहीं है, ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। ये देखिए तो आपको ये वीडियो मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया तो इसके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए
और शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ऑटोमोबाइल से रिलेटिव आपको और वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।